हे hey, नमस्कार दोस्तों इंडियन बजट सेटअप का एक और नया एपिसोड में आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 17 यहाँ पे हम लोग करते क्या है आप लोगों का ही कुछ सेटअप को आप मुझे भेज दो पे हम लोग उसको करते हैं फीचर करते हैं इससे होता क्या है आप जैसे और भी लोग हैं अपना सेटअप यहाँ पे बनाया है उसको हेल्प होता है अपना सेटअप को इम्प्रूव करने में कैसे डेकोरेट करना है कैसे चीजों को यहाँ पे रखना है तो अगर आपके पास भी एक बेहतरीन सेटअप है तो उसको भी आप सबमिट कर सकते हो सबमिट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और दूसरा वीडियो का लिंक मिल जाएगा उसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन

एंड पांच जीबी का यहाँ पे एनवीएम एस मिलता है अभी पेरीफिल की बात करें तो इनका लैपटॉप का जो स्क्रीन साइज है ये फिफ्टी इंच का है की एंड माउस यहाँ पे जिप्रॉनिस का जिप ट्रांसफॉर्मर का कॉम्बो जो आता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के साथ यहाँ पे दो नॉर्मल कंप्यूटर स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं जो आपको साइड पे यहाँ पे दिख रहा है हेडसेट के अंदर यहाँ पे कॉस्मिक बाइक की तरफ से G2000 का इस्तेमाल करते हैं गेमिंग हेडसेट है आर जी वाला अब जैसे कि लैपटॉप बेस्ट सेटअप है तो यहाँ पे केबल मैनेजमेंट पे थोड़ा दिक्कत होता ही है क्योंकि यहाँ पे साइड पे सारे पोर्ट आपको देखने को मिलता है जितने भी लोग यहाँ पे लैपटॉप बेस्ट

हब ले लो उसके बाद आप अपना केबिल को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे तो ये दो सेशन में आपको देना चाहूंगा बाकी थैंक यू सो मच जिसन इंडियन बजट सेटअप के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अगला सेटअप हम लोग को भेजा है है यूनिस साकिर हुसैन ने का रहने वाला उन्नीस साल का है और ये एक इंजीनियर स्टूडेंट है ओ हो, हो भाई ने क्या सेटअप बना के रखा है मतलब आरजीवी टारेवी देखे एकदम क्लीन लुक बहुत ही बेहतरीन से डेकोरेट करके बना के रखा है देखने में ही यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है लैपटॉप बेस्ट सेटअप के साथ इन्होंने एक मॉनिटर का भी इस्तेमाल किया

GDDR6 वाला 256GB जीबी का NVMe, SSD उसी के, अच्छा के साथ यही पे अगर की बात कर ले तो लैपटॉप है, है का और में जो है जो सिक्सटी हज पे यहाँ पे ऑपरेट भी करता है तो इन्होंने अपने टीवी को एज ए मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं चिप्टोनिक्स क्रोनोस आर गेमिंग की का इस्तेमाल कर रहे है एंड जेब्रोनिक्स का माउस का, का इस्तेमाल कर रहे है अपने के अंदर कोई भी यहां पे नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे स्पीकर का इस्तेमाल करता है आर टच ब्लूटूथ स्पीकर का इस्तेमाल करता है जो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रहा है और जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ लैपटॉप के नीचे एक कूलिंग पैड है जिसका जिक्र भाई ने यहाँ पे नहीं किया तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अब यहाँ पे ओवरऑल टेबल के ऊपर की केबल मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत ही अच्छा केबल मैनेजमेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है इतने ज्यादा वायर विजिबल नहीं है काफी अच्छे तरीके से इन्होंने अपने केबल को मैनेज किया है लैपटॉप सेटअप होने के बावजूद इस भाई ने भी यहाँ पे मैं नहीं किया अपने सेटअप को इन्होंने कब बनाया था या फिर टोटल कॉस्टिंग कितना आया था तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता बाकी यहाँ पे वर्क पर्पज की बात करें तो ये अपने सेटअप को इस्तेमाल करते हैं बेसिकली थ्री मॉडलिंग के लिए वीएफ काम के लिए एंड लाइट गेमिंग के लिए अब जी टी का फिफ्टी का ग्राफिक्स कार्ड चार जीबी का ग्राफिक्स काई सेवन टेन जेनेशन का प्रोसेसर

काम करके रखा है टेबल को यहाँ पे साफ रखते हो काफी डेकोरेट करके रखा है अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन सेटअप है आपका मुझे काफी अच्छा लगा थैंक यू सो मच हुसैन इंडियन बजट सेटअप पे अपना पीसी को सबमिट करने के लिए अगला सेटअप हम लोगों को भेजा है कौशिक कृतज्ञ ने साल का है झारखंड रांची के रहने वाले है और ये एक स्टूडेंट है भाई का ये जो सेटअप है बहुत ही ज्यादा बेसिक सेटअप है मतलब एक पुराना टेबल के ऊपर अपने लैपटॉप को बस बैठा दिया और नीचे एक माउस पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एकदम से बेसिक सा सेटअप कहना चाहूंगा कोई भी ज्यादा इतना डेकोरेशन या फिर आरजीबी

लेके गया है तो ठीक ठाक लग रहा है इतना ज्यादा मैसी नहीं फील हो रहा है तो अच्छे तरीके से इन्होंने को मैनेज कर रखा है लेकिन हाँ टेबल यहाँ पे पुराना है तो यहाँ पे थोड़ा सा लुक को बिगाड़ रहा है तो मैं इनको कहना चाहूंगा एक टेबल क्लॉथ का इस्तेमाल कर लेते तो और भी अच्छा रहता अब इन्होंने पे नहीं किया कब इन्होंने अपना सेटअप को बनाया था या फिर कब लैपटॉप को खरीदा था लेकिन टोटल बजट इन्होंने किया है जो एटी टू एंड के आसपास वर्क पर्पज की बात करें तो ये अपने सेटअप को इस्तेमाल करते हैं गेमिंग के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए वीडियोस एडिटिंग के लिए वीडियोस रिकॉर्डिंग के लिए एंड मूवीज भी वॉच कर लेते हैं मतलब सब कुछ अपना इस लैपटॉप सेटअप के अंदर कर लेते हैं अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट एंड मेरी ओपिनियन की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा सबसे पहले तो आप अपने टेबल टेबल के ऊपर क्लॉथ का इस्तेमाल कर लो जिससे आपका लुक और भी अच्छे तरीके से एनहांस होगा साथ ही साथ अगर हो सके टेबल के ऊपर कुछ चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करके और भी अच्छे तरीके से एक अच्छा प्रॉपर सेटअप बनाओ एंड एक डेडिकेटेड की का इस्तेमाल कर लेना अगर हो सके तो इससे आपका यूजर एक्सपीरियंस और भी अच्छा होगा बाकी थैंक यू सो मच कौशिक इंडियन बजट सेटअप के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अगला सेटअप को यहाँ पे भेजा है पर्याप्त राज ने प्रनाउंस अगर गलत कर दिया तो मुझे माफ कर देना है और ये एक स्टूडेंट है।, है, है।, अच्छा है, तो अच्छा है लेकिन इन रियल लाइफ इनका जो सेटअप है ना अच्छा इन्होंने लुक अचीव कर रखा है अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है अगर आप यहाँ पे देखो टेबल के ऊपर अलग से एक सेक्शन बनाया है इन्होंने लैपटॉप को रखने के लिए और कीबोर्ड एंड माउस को रखने के लिए एक अलग से

टेन जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है आठ जीबी का रैम है ग्राफिक्स इसके अंदर जी टी एक्स का चार जीबी का जी डी वाला ग्राफिक्स लगा हुआ है पांच सौ बारह जीबी का एनवीएमई एस एस एगा हुआ है हार्ड ड्राइव यहाँ पे नहीं आता बाकी फिल्स की बात करें तो लैपटॉप का जो स्क्रीन साइज है वो फिफ्टीन पॉइंट इंच का आईपीएस पैन है टेन लेवल का और यहाँ पे की फिंगर की तरफ से वायर की का इस्तेमाल कर रहा है एंड माउस भी उसी के साथ आता है मतलब कॉम्बो इस्तेमाल कर रहा है हेडसेट यहाँ पे रेड गियर की तरफ से क्लॉक आर वाला हेडसेट का इस्तेमाल कर रहा है स्पीकर यहाँ पे लैपटॉप का ही इस्तेमाल कर लेते हैं उसी के साथ एक जिब्रॉन इसका का भी इस्तेमाल करते हैं केबल मैनेजमेंट एंड टेबिल टॉप की बात करें तो काफी अच्छे तरीके है।, है बात करें कब बनाया था दो तो था टोटल जो बजट आया था वो फिफ्टी के अप्रोक्स वर्क की बात करें तो भाई अपने अप को इस्तेमाल करते गेमिंग के लिए एडिटिंग के लिए एंड स्कूल वर्क के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं बाकी मूवीज टूवीज भी देख लेते हैं बाकी यहाँ पे इंप्रूवमेंट एंड मेरी ओपिनियन की बात करें तो इनका सेटअप के अंदर मैं इनको कहना चाहूंगा एक जीबी का रैम

भी अपना लैपटॉप का जो मॉडल है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया या फिर भूल गया होगा तो लैपटॉप यहाँ पे एम की तरफ से आता है इंडेल की तरफ से आई सेवन टेन जेनेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है यहाँ पे और आठ जीबी का रैम के साथ आता है चार जीबी का जी डी डी आर सिक्स वाला पांच सौ बारह जीबी का यहाँ पे NVMe लगा हुआ है बाकी यहाँ पे पेरिफेरल्स की बात करें तो लैपटॉप का जो स्क्रीन साइज है वो फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इंच का है टेन एट्टी पी लेवल का वन फोर्टी फोर हर्ज वाला डिस्प्ले कीबोर्ड एंड माउस यहाँ पे का ट्रांसफॉर्मर वाला कॉम्बो इस्तेमाल कर रहा है व्हाइट कलर का

1650 ग्राफिक्स लगा हुआ है तो डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस इसको टेन एट्टी पी लेवल का अब यहाँ मैनेजमेंट एंड टेबल टॉप की बात करें तो यहाँ पेबल मैनेजमेंट के ऊपर भाई ने पे थोड़ा सा चोक कर दिया है इतना अच्छे से को मैनेज नहीं किया एक यूएसबी हब का इस्तेमाल कर लो जिससे आप अपने केबल को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे यही पे अगर मेरी सजेशन एंड ओपिनियन की बात करें तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा आप अपने केबल मैनेजमेंट पे ध्यान दो एंड अगर हो सके तो एक्स्ट्रा एडिशनल रैम का इस्तेमाल करो अपने सिस्टम के अंदर जिससे आपका यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ

क्यों अच्छा लगा पूरा डिटेल में बताऊँ मैं सभी कमेंट को यहाँ पे पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ बाकी यार आज का इस वाला एपिसोड के अंदर इतना ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ तब तक कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी